हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये आज हमारे यहाँ 11 बजे सुबह इतना मौसम हुआ कि दिन में रात हो गई, ऐसा मौसम हो गया। देखिए कितना घना काला बादल आया है, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि ये ना बिना बारिश किए सारे बादल चले गए। हवा के साथ ही दो चार बूंदाबांदी सी हुई, हल्की सी कड़ियाँ पड़ी थी बस, और हवा के साथ ये चले गए बादल, और उसके बाद फिर निकल गई धूप। जब इस टाइप से मौसम हुआ तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मतलब काफ़ी सुहाना सा मौसम हो गया था, लेकिन बस वो हवा ही अपने साथ लाई बादलों को और अपने साथ ही वापस ले गई। ज़रा सा भी नहीं बारिश हुई, पर मौसम अच्छा हो गया था। तो ये कपड़े हैं जो मैं इनकी तह लगा रही हूँ, ये कपड़े मैंने आज ही धुले थे। तो इन लोगों की क्या आदत है कि कपड़ों को मैं तह लगाकर और सभी के अलग अलग जगह पर कपड़े रखती हूँ। सबके अपना अपना एक ड्रॉर है अलमारी के अंदर, उसके अंदर मैं रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग अपने ही ड्रॉर के अंदर कपड़े इस टाइप से कर लेते हैं कि मतलब जैसे बहुत छोटा कोई बच्चा है जो कपड़ों में खेला हो और उसने कपड़े सारे इधर उधर कर दिए हो, इस टाइप से कर लेते हैं। बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं मेरे जो, लेकिन फिर भी ये बच्चे बच्चे हैं तो, लेकिन ये इनके कपड़ों की सेटिंग करके मैं रखूँगी और उसके दो दिन बाद फिर मुझे इनके ड्रॉर का वही हाल मिलता है। बिल्कुल भी ये लोग मतलब ये नहीं सोचते हैं कि जो पहनना है वही निकालें, दूसरे कपड़ों की तह ना ख़राब करें, लेकिन ये लोग ये मतलब इन्हें करना नहीं पड़ता है इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। अगर इन्हें खुद करना पड़े अपने कपड़ों की सेटिंग वगैरह अपना काम, तो फिर ये लोग शायद ना करें ऐसा। तो अभी स्कूल चालू हो गए हैं तो गर्मी भी है, और तो उनकी वर्दी रोज़ धुलनी पड़ती है बच्चों की, तो वही मैं उनकी जो वर्दी है उसमें मैं प्रेस करूँगी, और बाकी ये डेली वाले कपड़े हैं जो वो मैं अपना तह लगा के और सभी के अलग अलग रखूँगी बिल्कुल। लेकिन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अलग अलग, क्योंकि दो दिन सुबह ही जब नहाने के लिए उठेंगे तभी सभी के कपड़े अपने अपने जो निकालेंगे ना, तो फिर सारे ऐसे ही वैसे ही मिलेंगे, लेकिन रखने तो पड़ते हैं। फिर बाद में ये लोग मतलब क्या क्या ऐसे ही कर देते हैं सारा कुछ ख़राब, फिर कहते हैं मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कपड़ों में ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर मिलते नहीं हैं। तब ये लोग चिल्लाते हैं कि मेरा मतलब ये वाला कपड़ा नहीं मिल रहा, वो वाला कपड़ा नहीं मिल रहा। तो मैं ये वर्दी है स्कूल की तो उसको मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी है तो डेली ही चेंज करनी पड़ती है। सर्दियों में तो एक वर्दी दो दिन चल जाती है, पर इन दिनों में नहीं चलती है। मतलब साइकिल से आना जाना करते हैं तो इस करके पसीना वगैरह भी आता है, तो एक दिन ही चलती है, तो बस डेली ही धुलती है और डेली भी यही प्रेस करना पड़ता है, और वो भी मुझे ही करना पड़ता है। ये लोगों को अभी प्रेस भी करना नहीं आता ढंग से, करना क्या करना सीखना नहीं चाहते बच्चे मेरे, इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, करना नहीं सीखना चाहते। तो बस ये करने के बाद मैं अपना किचन में जाऊंगी, तो इनका मुझे मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो उठती तो जल्दी हूँ, लेकिन ना फिर भी इन लोगों के लिए सुबह जो नाश्ता स्कूल के लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो जब कुछ मतलब सब्जी वैसी होती है जिसमें टाइम लगता है, जिसको छीलने में टाइम लगेगा, रेडी करने में टाइम लगेगा, काटने में, तो मैं क्या करती हूँ उस सब्जी को शाम को ही तैयार करके रख लेती हूँ, मतलब काट कर रख लेती हूँ, और लहसुन वगैरह भी मैं छील कर शाम को ही रख लेती हूँ, क्योंकि ये इन चीज़ों को काटने में छीलने में टाइम लगता है इस करके, और सुबह बहुत जल्दी पड़ती है। तो और कोई वैसी सब्जी होती है जैसे दाल वगैरह बनाना हुआ, या मतलब जिस सब्जी में ज़्यादा छीलने में या उसमें टाइम ना लगे, तो वो सब्जी मैं सुबह ही काटती या छीलती हूँ,
लेकिन जिसमें टाइम लगता है तो उसको मैं शाम को ही काट कर और उसको मतलब डिब्बे में बंद करके फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, जिससे सुबह उठूँ और मतलब जो किचन की सफाई है वो भी रात में ही करके रखती हूँ, गैस वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह की सफाई, तो बस सुबह उठकर और किचन की झाड़ू लगाकर और उसके बाद मैं इन लोगों के स्कूल का मतलब लंच तैयार करने लगती हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ये लोगों का घर से 7:15 बजे निकलना होता है, तो 6 बजे उठकर और 7:15 बजे तक चाय और मतलब लंच वगैरह रेडी करना, तो इसीलिए मैं अपना जो भी काम है आधा वो मैं इसी टाइम कर रात में ही करके छोड़ती हूँ। तो मेरी सब्जी तो कट गई है, तो वो मैंने डिब्बे में बंद करके फ्रीज के अंदर रख दी है। और कद्दू की सब्जी थी, कद्दू था मतलब वो गोल वाली लौकी थी, तो वही मुझे सुबह बनानी है इन लोगों के लिए, तो वो मैंने अपनी रेडी करके रख दी है। तो अब मैं अपना लहसुन प्याज भी छील कर रख दूँगी।